अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं सईद अली एकेडमी। मैं आप लोगों की न्यू बायोलॉजी टीचर मिस आमना। हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसमें यहाँ मेजर कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं हमारे पास कि हम इस यूनिट में क्या पढ़ने वाले हैं, जो कि हैं इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद हम बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। उसके बाद हम बायोलॉजी की डिविजन्स पढ़ेंगे जो डिफरेंट ब्रांचेस में की गई हैं। फिर उसके बाद हम बायोलॉजी का रिलेशन पढ़ेंगे दूसरी साइंसेस के साथ, और फिर एंड और फिर हम पढ़ेंगे कुरान इंस्ट्रक्शंस टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, और एंड में है हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। तो लिखा हुआ है बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। इट प्रोवाइड्स द नॉलेज अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच डिफर्स फ्रॉम ईच अदर इन शेप साइज एंड कॉम्पोजिशंस। तो फर्स्ट इन दो लाइनों में लिखा हुआ है कि बायोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स है, जिसके अंदर हम लिविंग बींग्स की प्रॉपर्टीज के साथ डील करते हैं, और बायोलॉजी हमें डिफ्रेंशिएट बताता है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो भी उनके साइज, उनकी कॉम्पोजिशंस और उनकी शेप्स पर से। फिर सेकेंडली इस पैराग्राफ में ये बात लिखी हुई है, द वर्ड बायोलॉजी कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स थ्रू और रीजनिंग, थस बायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। आगे हमारे पास लिखा है व्हाट इज लाइफ। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली, बट ऑन द बेसिस ऑफ द लाइफ प्रोसेस इट कैन बी डिफाइंड थ्रू फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सक्रीशन, इरिटेबिलिटी, रिप्रोडक्शन। ये सारे वो फंक्शंस हैं जो एक लिविंग बॉडी के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। डाइजेशन और रेस्पिरेशन हमारे रोज़मर्रा की काम हैं जो कि हम खुद कर रहे होते हैं, हम खुद महसूस कर रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म वो है जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहा होता है। मूवमेंट वो है जो हम लोग डेली अपने कामों के जरिए हम लोग एक एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, मीन्स हमारी बॉडी मूव कर रही होती है। ग्रोथ यानी हमारा बढ़ना, हमारे बालों का बढ़ना, हमारे नेल्स का बढ़ना, और डेवलपमेंट्स यानी एक बॉडी के अंदर ऑर्गन डेवलप होना, मीन्स जैसे छोटे बच्चे के अंदर दान डेवलप होना, ये सब एक लिविंग यानी जानदार की निशानियां है। वो आगे लिखा हुआ है डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। तो डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, देयर आर थ्री मेजर डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। तो थ्री मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी जो है वो जियोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी है। तो जियोलॉजी इज द स्टडी जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में, मींस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जियोलॉजी में लिखा है द वर्ड जियोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज जियोन मीन्स एनिमल एंड लोगोस मीन्स स्टडी और नॉलेज। इट डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। यहाँ तक सब क्लियर है? मीन्स जियोलॉजी में जो हम स्टडी करते हैं वो हम जानवरों की करते हैं। और देन बॉटनी में लिखा हुआ है द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बॉटनी मीन प्लांट एंड लोगोस मीन्स स्टडी और नॉलेज। इट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की जो स्टडी होती है उसे हम बॉटनी कहते हैं, और एनिमल्स की जो हम स्टडी होती है उसे हम जियोलॉजी कहते हैं। आगे है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं वायरसेस, बैक्टीरियाज और कुछ ऐसे जानवरों की जिनकी स्टडी हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं कर सकते। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए और उनकी स्टडी करने के लिए हम उन्हें माइक्रोबायोलॉजी का नाम देते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एक्सेट्रा सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। आई होप यहाँ तक आपको ये सारी बातें क्लियर होगी।